हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे आरहेनियस का वैद्युत अपघटनी वियोजन सिद्धांत। तो आरहेनियस ने दुर्बल वैद्युत अपघट्य के विभिन्न चालकताओं का अध्ययन किया। आरहेनियस ने दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की के दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के विलयन के चालकताओं का अध्ययन किया तथा उस पर एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। आरहेनियस ने दुर्बल वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकताओं का अध्ययन किया तथा एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे आरहेनियस का सिद्धांत कहते हैं। तो इन्होंने निम्न प्रस्तुत किए। नंबर एक, कि कोई किसी वैद्युत अपघट्य को जल में या किसी अन्य विलायक में घोलने पर वह विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाता है। जैसे हमारे AB है, क्या है AB है, तो काहे में टूट जाता है, A प्लस और B माइनस। तो क्या है, किसी वैद्युत अपघट्य को जल में या किसी अन्य विलायक में घोलने पर या क्या है विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाता है। नंबर दो, वैद्युत अपघट्य का विलयन उदासीन होता है। जितने धनायन होते हैं उतने क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। जो पांच धनायन तो पांच ऋणायन, यानी वैद्युत अपघट्य का विलयन क्या होता है, उदासीन होता है, प्लस माइनस बराबर जीरो। तो वैद्युत अपघट्य का विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। जितने धनायन होते हैं विलयन में उपस्थित कुल धनायनों की संख्या विलयन में उपस्थित कुल ऋणायनों की संख्या के योग के बराबर होती है। तीसरा, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों में क्या होते हैं साम्य, क्या होते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दुर्बल वैद्युत अपघट्य विलयन में कम आयनित होते हैं। जैसे मान लिया क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य AB क्या है विलयन में कम आयनित होता है, A प्लस B माइनस। इसमें क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इसमें द्रव्यपातीय क्रिया का नियम लगाया जाता है। जैसे क्या बराबर A प्लस B माइनस अपान AB। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य कम आयनित होते हैं, इस पे जहां के स्थिरांक है जिसे साम्य स्थिरांक या आयनन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनन स्थिरांक कहते हैं। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होता है, कम आयनित होता है, इसमें आयनित तथा अनायनित अणुओं के मध्य साम्यावस्था होती जिस पर द्रव्यपातीय क्रिया का नियम लगाया जा सकता है, जहां के क्या आया कि आयनन स्थिरांक। अगला पॉइंट, विलयन की जो तनुता है, तन माने पतलापन करोगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की तनुता बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ती है। दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की तनुता बढ़ने के साथ साथ इनकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है। अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट, अणु संख्या गुणधर्म के निर्धारण में प्रत्येक अवयव एक अणु की भांति व्यवहार करने लगता है। अणु संख्या गुण के निर्धारण में प्रत्येक जो है आयन एक अणु के समान व्यवहार करने लगता है। यही कारण है कि अणु संख्या गुणधर्म, जिसे मान लिया परासरण दाब हो गया, हिमांक अवनमन हो गया, क्वथनांक उन्नयन हो गया, विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। थैंक यू।